जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किन्नरों को क्या चीजें दान करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं दान करना चाहिए, और किन्नरों को दान करने से कौन से ग्रह आपके मजबूत होते हैं, और आपको मंगल अगर आपको मांगलिक कुंडली में चांडाल योग है, राहु या काल सर्प दोष है, तो इन सभी से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आपको लिखना है जय श्री महाकाल, या जो भी देवी देवता में आप यकीन है, आप साईं बाबा को मानते हैं, जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, उनका कमेंट्स में जरूर नाम लिखें, ताकि इस बहाने ईश्वर का जप और ईश्वर का नाम हम ले सकें। तो किन्नर जो है वो आपके आसपास आपने कभी ना कभी उनके दर्शन करने से भी कई सारी चीजें सुलभ हो जाती है। उन्हें लक्ष्मी का वास माना जाता है और इसके साथ साथ उनकी जो दुआएं हैं वो तुरंत फल देने। अगर आपके आसपास कहीं भी आपको किन्नर दिखाई दे तो उसे आप कुछ न कुछ दान जरूर दें। आपकी जो श्रद्धा हो, जो इच्छा हो, दान दें। आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर सिर्फ अपॉइंटमेंट मिलेगा दोस्तों। आप व्हाट्सएप पर जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है वहां से आप मुझे व्हाट्सएप पर जय श्री महाकाल लिख दें। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो शुल्क लागू है, वहां से नंबर लग जाएगा आपका और आपकी बात मुझसे हो जाएगी। पैसा नहीं रुक पा रहा है तो किन्नर को पूजा की सुपारी के ऊपर एक सिक्का रखें और दान करें, वो बहुत ज्यादा लाभकारी होगा आपके लिए। किसी व्यक्ति या चाहे वे लड़का हो या लड़की हो, उनके दाम्पत्य जीवन में तकलीफें हो रही है, तो किन्नर को सुहाग की सामग्री आप दान करें, बहुत ज्यादा सकारात्मक आपको परिणाम मिलने वाले हैं। धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप किन्नर को चावल दान करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार किन्नर को चावल दान करना बहुत शुभ माना जाता है। व्यापार में कई बाधाएं आ रही है तो आप किन्नर को ढोल दान कर सकते हैं, ऐसा करने से आपको हर काम होना सिद्ध हो जाएंगे। जिसकी जेब हमेशा खाली रहती है उसे किन्नर से एक रुपए वापस लेकर हर एक कपड़े बांधकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जब भी किन्नर आपको दिखे उनके चरण स्पर्श जरूर करें, वो बहुत ज्यादा फलदायक है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई किन्नर या कोई थर्ड जेंडर अपना एक सामान्य जीवन जी रहा है आपकी सोसाइटी में या जहां भी, तो आप उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दें, उसे बिल्कुल सर आंखों पर रखें, उसका सम्मान करें, उसको बिल्कुल हम जैसे सामान्य रहते उसी तरह का इज्जत बख्शे, क्योंकि उन्हें जो चीजें अच्छी लगती, उन्हें जिस प्रकार की चीजें अच्छी लगती, अगर आप वो चीजें उन्हें उनके लिए करते हैं तो वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं और दुआएं देते हैं, क्योंकि आधुनिक युग है, उस युग आधुनिक युग में ये चीजें आपको आजकल दिखाई दे रही होगी, इसलिए ये बात भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो किन्नर जो है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और धन धान्य लक्ष्मी सभी चीजें उनके आशीर्वाद से हमें मिलती है, प्राप्त होती है, इसलिए जहां भी दिखे वहां चरण स्पर्श करें, उनका सम्मान करें, उन्हें बिल्कुल एक ईश्वरी तत्व की तरह आप माने। बाकी चीजें अलग है, बाकी बहुत सी चीजें हैं, उन चीजों पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन जो उनका सकारात्मक पक्ष है हम केवल उसी पर बात करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे, आप लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी ये चीज़ें जान सकें। इसके साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।